नमस्कार दर्शक बिन, अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हम छी वीरेंद्र कुमार, अखन अपने सब देख रहा छी एम स्टार टेलीविजन के प्रसारित कार्यक्रम जे स्टार सवाल में छी। सवाल और खास कर के अखन हम हमरा सहक जे अतिथि आयल छथि जे सिरहा जिला के माओवादी केंद्र के जे जिला समन्वय समिति के जे सदस्य छथिन जे राम कुमार यादव जी। राम कुमार यादव जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम एम स्टार टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम स्टार सवाल में। धन्यवाद जी। बात करी जे खास करके जे अपने के जे राजनीति में कहिया एले राम कुमार जी अपने के? हमरा के राजनीति में लगभग 13-14 वर्ष से रेगुलर कंटिन्यू और अपने के माने निरंतर हम राजनीति में लागल छी 13-14 साल से। जी। खास करके जे राजनीति में आवे के कारण की भ सके छै अपने के? राजनीति में आवे के लागी जे राजनीति के किचलो पन्ना जे देखने रहिए युवा अवस्था में, हमरा सब कम से कम बात उठा के राजनीतिक रूप से सामाजिक क्रांति कर सकी और नेकपा माओवादी केंद्र के जे एकटा लोकतंत्र गणतंत्र लाभ के जे एजेंडा सब रहे, सामाजिक जातीय विभेद सब के विरुद्ध में जे एकटा एजेंडा सब रहे, वही एजेंडा से प्रभावित भक समाज में क्रांति लाभ पड़ते कह नेकपा माओवादी में शामिल भक राजनीति में 15 साल से हम लागल छी राजनीति में आवे के कारण। जी। खास कर राजनीति में युवा सब अखन जे व्यापक रूप में आबि रहल छै, लेकिन मुदा अपने 15 वर्ष से लागल छी, यानी कि बात करी तो अपने के जे अहाँ के माओवादी जे जनयुद्ध काल से वही परिवेश में जे अपने लिए एक जे राजनीति के एक कहीं ना कि मतलब एक नया अनुहार के रूप में अपने जान के जोखिम में रह कर अपने क्षेत्र में मतलब अपने के अगाड़ी बढ़ल ये, लेकिन मुदा जै तरह के अपने एक बात करी अपने के सिरहा जिला के जो मिर्चिया नगर पालिका के जो केन्द्रित भग एक राम कुमार यादव एक व्यापक रूप में एक चर्चा के विषय में रहे बेर बेर, एक कारण की भ सके अपने संगे? अय के कारण छै जे पार्टी के एजेंडा और सामाजिक रूपांतर के एजेंडा में और लोकतंत्र के एला जे जे लोकतंत्र जरे जरे जे विषय वस्तु सब है समाज में सुधारक काम सब के रूपांतर कर में हमर सब सब बड़का अग्रज भूमिका में रहे छी। साथे युवा सब के जे एकटा राजनीतिक क्रियाशील में भी लबे छी और सामाजिक समाज में जे विभेदीकरण सब जे है जे वही विभेदीकरण सब के अंत कर के लागी हम अग्र मोर्चा में भी रहे छी राजनीति रूप में आवाज उठबे छी विभिन्न आंदोलन विभिन्न विभिन्न तबका के सुधारक काम सब में अगुवाई करे छी। तै दुआरे हमर युवा पीढ़ी सब में और मिर्चिया नगर पालिका व जिला के विषय में कहियो चर्चित परिचित रहे छी कारण सब वह है। जी। खास कर जे अपने जनयुद्ध काल में लागल रहे एक युवा अवस्था में तो वही बेर में अपने केना भय त्रास सब आयल कि नहीं कि जखन कि प्रहरी संगे जखन अहाँ के युद्ध के अवस्था रहे विभिन्न पार्टी सब के लोग सब माओवादी के एक टारगेट कर वार करे के अथवा जान से मरवावे के संभावना से कंडीशन देख करके तेहन अवस्था में भयभीत सब त्रास सब केहन आयल अपने के मरबे की अथवा राजनीति में लिखे के किसी दोष रहे कि अथवा बैक होय के संभावना रहे अपने के? जी अपने के धन्यवाद। जी। जे बहुत गंभीर प्रश्न अपने उठौली। हम अपने के युद्ध कालीन बेर में हमर उमेर खासे ओते 12-13 साल के रही, हम हमर मामा गांव भेल लेरकन्हा लटाटोल कहै यह, वही अपने के आदरणीय नेता महेंद्र पासवान जी वही जाकर संगठन काम और संगठन बनाब के लागी संगठन से बनबत रहे, तो वही बखत में हमर 13-14 साल के उमेर भेला के कारण से युद्ध में तो नहीं लगली हम, तर युद्ध में लगल मामा सब वा माओवादी के कार्यकर्ता सब अग्रज अग्रज लीडर सब के कहियो जलखै पुगबा के काम से कहियो पानी पुगबा के काम से वा कोनो सूचना दिए के कारण से हम जुड़ल तो रही, तर भूमिगत रूप में जे हम कहबे भूमिगत में हम अपने के अही ढंग के भूमिगत रही और प्रभावित भ के माओवादी प्रति हम आस्था दिखा के ए पार्टी में एकटा भूमिगते कहियो ओके, तर बंदूक उठाओल चाहिए माओवादी हम नहीं छी।
लेकिन खास कर जना अपने एक माओवादी के विभिन्न रूप से एक फुल टाइम नेता कल उनका सबके सहयोग के केनिहार के रूप में अपने उनका सबके सहयोग के लिए राम कुमार जी तहना अपने के घर परिवार में जो अपने के मम्मी पापा सब ई बात जानकारी रहे कि ना कि हमारे बेटा अ तरह के सहयोग करे कल मैंने हमारे बेटा के कि जाने जाए पड़ते तेहन अवस्था भी आ सके एहन किसी में सलाह सुझाव सब दिल कि ना हमारा घर परिवार में बहुत कथी कहे कठिनाई सब मोल करे पड़े हमारा अहाँ के माओवादी साथी सबके सहयोग कर के क्रम में हमरा प झूठा मुद्दा सब भी कथी कहे दायर भेले हमरा भाग भी पड़े एक समय में तो हमरा प कथी कहे माओवादी के नाम पर तो नहीं माओवादी के सहयोग करे ते नाव पर हमरा प एक एक सीआईडी ढंग से कथी कहे नेपाल प्रहरी दिशन से आक्रमण होए वाला भी बात रहे एक हमारे दाजू है जो महेंद्र जी के भतीजा है कमल पासवान जो हमरा भेंट भेले तो कल के भाई जे तोरा पर एना एना स्थिति हो प्रहरी प्रशासन सब तोरा टारगेट में रखने हो ते द्वारे तू जान बचाव के हो तो अभी कनी अंडरग्राउंड भजो भूमिगत तो नहीं रही तर जे सहयोग करी हमर मामा गांव रहे नी लटाटोल तो लटाटोल अहाँ के तीन घर मात्र कांग्रेस नहीं तो बाद बाकी सब अहाँ के माओवादी हमर ममहर भेला के कारण से हम कनी बेसी सक्रिय भेली है आस्था रह पड़ल तै के क्रम में हमर परिवार सब के बाबू माई के अहाँ के बड़ी यातना सब भी भोग पड़े अहाँ के प्रहरी के यातना तो नहीं सामाजिक यातना सब सामाजिक कथी कहे विषय वस्तु सब में जे एकर बेटा बदमाश भगेली भगेले ऊ भगेले तेहन किस्म के आलोचक चीज सब खेप पड़े हमारा बाबू माई के वही के चक्कर में हमारे परिवार में अहाँ के परिवारों भी फूटले हमारे बाबू तीन भाई तै के कनी देखल के जे अब ई कनी हाथ से फाजिल भ गेले तब पहिनका अवस्था तो ई रहे अपने के समाज में जे माओवादी के प्रति टिप्पणी जे रहे ने जे माने एकटा गांव घर में सामंती सबके नजर में टिप्पणी तो खराब रहे उ सामंती सबके तहिया बिग बिगी भेला के कारण से हमरा घर परिवार में कनी वही चीज के सबके प्रतिकाय दुख पीड़ा से झेल पड़ल है जी। बात करिए अब राम कुमार जी जो अपने सबके माओवादी केंद्र के सीहा जिला के संगठन के अवस्था की है जनता जाना चाहिए। देखियो हमरा सबके नेकपा माओवादी केंद्र में बहुत जुझारू नेता सब है सक्रिय नेता सब है अई देश में बहुत परिवर्तन लाभ में बहुत बड़का देन देला नेता सब है तर अपना पार्टी के नेता सबके कि चलो पन्ना के चक्कर में अये पार्टी के राजनीति कर रहा है वही में हमरा और स्तर के कार्यकर्ता के कोनो दोष नहीं है अये दोष कथी है जे अपने गुटबंदी है सबसे बड़का गुटबंदी अपना टिकट को लिए तो परचंड जी हाय हाय बड़ा राम्रो आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय महानायक कह का संबोधन भेल टिकट अगर वह में दोसर नेता सब दोसर नेतृत्व करनाहर नेता के अगर टिकट भेट जाए दोसर वा अवसर पवे है तो वही में अंतर्घात कर के सोच से सिरहा जिला के पार्टी के अवस्था कमजोर बना दिल के तर अभियो अभियो माओवादी के साथी सब कमजोर नहीं है संगठन के रूप में हम सब बलियो छी तर आंतरिक किचलो के कारण से नेता सब के आंतरिक कलह के कारण से हमरा सब कमजोर देखा पड़ रहल छी तर सब दिन एहने नहीं रहते कुछ सुधार होते हमरा सब केंद्र कमेटी से हम व्यक्तिगत ई मांग करे छी जे एक चोटी कम से कम अंतर्घात करे वाला साथी सब के कार्रवाई होवे चाहिए पार्टी बनाबे के लागी कठोर जावे तक नेतृत्व पंक्ति नहीं बनते आ सबके माने कोई ई गुट कोई ऊ गुट कोई ए ढंग से कोई ढंग से कोई हमर आदमी कोई ओकर आदमी कहे के से संरक्षण जब तक होते रहते वीरेंद्र जी तब तक अपने के पार्टी के अवस्था यह रहते हम सब युवा पीढ़ी सब कनी चिंतित छी जे माओवादी केंद्र की अवस्था कैला भेले हमरा सबके पार्टी परिवर्तन करब में अते बड़का यो देन देने से अइ देश में 17,000 बलिदानी भेल से बलिदानी के तहत अते बड़का माने लोकतंत्र गणतंत्र आय आय जनता के बेटा बेटी सब कदी कहे राजा राज्य सत्ता शासन में पहुंच पुगल पुगे छे अपन अधिकार के लागी कदी कहे जनता अपन अपन बात एकदम उठा रहल छे खरो पन्ना सब बाज रहल छे ई अते भी कहियो क हम सब कमजोर किया छी त कमजोर के कारण है जे पार्टी में नेता सब के अंतरकल और कदी कहे एक आपस में मनमोटाव ओय कारण से हमरा सब के जिला में कमजोर त देखाय तर हम सब कमजोर नहीं छी।
जी राम कुमार जी, देखल गेले अपने के जे बात करी सिरहा जिला के, जे में यहाँ के प्रदेश सभा के चुनाव छे प्रतिनिधि सभा के, लेकिन मुदा आतका जे अवस्था एकदम हार के अवस्था देखल गए, जनता सब एकदम व्यापक रूप में टिप्पा टिप्पणी भ रहा है कि नेकपा माओवादी के पत्ता साफ भ गए, लेकिन मुदा अ तरह के क्या भेल? देखियो माओवादी पत्ता साफ नहीं भेल है, पत्ता साफ होय वाला हमरा सब के वो अवस्थो नहीं है, हमरा सब अइला ढुक्क छी, हमरा सब के एजेंडा निमन है, हमरा सब गरीब विपन्न और दलित वर्ग और महिला समुदाय और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हिसाब से हम सब घर घर के वकालत कर रहल छी, दुर्भाग्य कहो या समय नेता सब के कहो अपुग भेला के कारण से वा निफिकिर भेला के कारण से हमरा सब जे जे काम रूपांतर परिवर्तन इस देश में केने छे जे कराओल गेल है से गाँव गाँव ठाँव ठाँव में जे नहीं पुग मैसेज जे नहीं पुगा रहल है वही कारण से कनी कठिनाई सब भोग पड़ रहल है, तही के अंतर्गत जे अपने के माओवादी सब के ए जिला में जे एक ढंग से जे हार खेप पड़ल तर वही हार के हमरा सब सुधार के रूप में देखे छी, जना हमरे सब के अपने के प्रदेश नंबर अथी क्षेत्र नंबर 4 पड़े जैमे कलम छाप से धर्मनाथ जी छे और हमरे सब के पार्टी से पोलिट ब्यूरो सदस्य आदरणीय काका महेंद्र पासवान जी अपने के प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार छे, तर दुर्भाग्य की कहू अपने सब के एक अंतर कल महेंद्र जी के राजनीतिक रूप में एक कलंक बुकाव के चक्कर में पार्टी के निक निक नेता सब माने विपक्षी के साठ घाट में माओवादी पार्टी के की कमजोर करते माने नेते सब के कमजोर के तहत माओवादी पार्टी के कमजोर कराब रहा है और ये चीज सब में सुधार हो कनी अवस्था तो गंभीर है, तर हम सब चिंतित छी, हम सब नेता सब ले मैसेज पुगा रहल छी जे कम से कम अहाँ सब अपना आप में सुधरू पार्टी सुधर। जी राम कुमार जी अपने समस्या के बाद जखन कहलिए तो अपने के जे पार्टी के जे माओवादी केंद्र के जे अपने के जे भीतर में जे गुटबंदी सब छे तो केहन किसी के गुटबंदी छे अथवा जातिवादी गुटबंदी छे अथवा गुटबंद मतलब वहां जो एक दोसर के नीचा अगाड़ी ने बढ़ा दे पड़ते नीचा तान के राखा पड़ते कि एक दबा के राखा पड़ते के को केहन हिसाब के गुटबंदी देखल गेलिए जना आम पार्टी सब में जातिवादी देखल गेलिए तेना माओवादी केंद्र में छे कि नहीं छे? वीरेंद्र जी बड़ा दुखक के साथ कह पड़ रहा है, हम सब बगरीय आंदोलन के लिए हमरा सब जाति पाति के प्रमुख में रूप में नहीं राख कर वर्गीय आंदोलन के लिए वर्गीय संघर्ष के लिए और अभी के अवस्था में अपन अपन स्वार्थ के राख कर कुटुमैती के नाता से कुछ जातिपन हावी भेल छे नहीं भेल छे से बात नहीं। अब देखियो ना महेंद्र जी चुनाव लड़ले माने वो ये कहा के संगठन एकदमे कम मात्रा में जनमत के संगठन जनमत पार्टी जीत गए, हालांकि उनका सबके जीत से हमरा सब सतर्क भेली गे के कम से कम ई कमजोरी सब कत सब भ रहा है कैला भेले कहीं भेली ग सतर्क, तर ओहो कहत हुए में कभी जाति पाति के गंध चाहिए आब रहा है, जना हम माने जादवे समुदाय से छी, अगर हम खराब छी तो हमरा कैला कोई संरक्षण कर, अगर हम ठीक छी तो जादव होना अपराध है, तो ते दुआरे माने ई चीज सब है कुछ आब रहा है, जना अपने के उम्मीदवार सब के स्थिति सब देखबे के लिए जे मत के स्थिति सब देखबे के लिए अपनो हूँ पत्रकार छी अपने अब हमरो से बेसी आकलन अपने लहत जाति पाति के कुछ गंध आब रहा है, एके सुधार करो है कैला तो हम अहाँ जातीय विरोध में ना आंदोलन के लिए संघर्ष के लिए माओवादी के तो वर्गीय आंदोलन सबसे बड़का एजेंडा है वर्गीय संघर्ष के लिए माने समावेशी समानुपातिक भी कायम करो लिए अखुन के अवस्था में जे हरेक पार्टी में जे अखुन अहाँ के मुस्लिम के कोटा अपने के महिला के कोटा जनजाति के कोटा मधेशी के कोटा वा खसारिये के कोटा ये सब तो माओवादी के युद्ध के दिन से नहीं तो ये सब कहाँ छे पहिने अहाँ के देखियो तो अखुन चुनाव लड़े है तो माने पहिने तो प्रधान आ उपप्रधान आ सदस्य सज्जते हो सब अहाँ के पुरुष 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 बहुसंख्या होइ छलै, अखुन देखियौ अपने के वार्ड में चुनाव लड़े के लागि अनिवार्य दलित महिला चाही अनिवार्य एकटा महिला सदस्य चाही, ताहिके बाद में अहाँ जे जे जाति के बस्ती है ओहि अनुकूलता हिसाब से अहाँ अवसर दऽ सकै छी, तर अनिवार्य तो केले नहीं सब तो माओवादी के देन सब है, तर कतौ न कतौ जनता में फिर हमी सब कमजोर छी ओहिके कारण है अंतर्घात अंतरकल और नेता सब के मन मोटाव। जी खास कर जे अपने सब राम कुमार जी जे एकटा
वर्गीय संघर्ष कहीं लेकिन मुदा पहल का लीडर सब अखन यो लेकिन मुदा फिर ये अहा जातिवादी में किया अड़ गए जर परिणाम से अहम महिंदर पासवान हार जना तक बाद में गंगा पासवान हार जना हम ही नहीं कहें कि हम मतलब ये सब हार के कारण लेकिन कतौ न कतौ बड़का संयंत्र कि जातिवादी में फसल पार्टी देखियो महिंदर जी संघर्षशील नेता है तेके बाद में अहा के विधि पद्धति और पार्टी के जते अहा के जे कैरेक्टेरिया हो ही वही भीतरी में रहकर काम करे वाला योद्धा है और ओतबी नहीं अपने के कभी कभी महेंद्र जी जे आय चुनाव में जीत लेते तो आई मधेस प्रदेश के हम अहा के गौरव के साथ कहे वीरेंद्र जी आई मधेस प्रदेश के हमरा सब के पार्टी से महेंद्र जी अपने के मुख्यमंत्री के दावेदार रहते मुख्यमंत्री के दावेदार रहते एक होनहार लोग रहते आब वही 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 महेंद्र जी के हराब में जे माने जे अते बड़का जे जाल झेल के लके वही जाल झेल के बड़ा दुख के साथ कह रहल छी जे ई जाल झेल तो काल अहूँ पर भ सकैय तै दुआरे ए चीज के समय में जे केली केली अब ए चीज सब के समय में जाबे सचेत सचेतना मूलक माने प्रशिक्षण नहीं देबे तो ई द्वंद बड़ी कैस के लगते तै दुआरे ए चीज सब के सुधार करेला अहीं के एम एस आर टी वी मार्फत अपने के नेतृत्व पंक्ति सब के हम अनुरोध करे छी जे वर्गीय आंदोलन जही ढंग से हमरा के एजेंडा है वही एजेंडा के कायम राखू जाति पाति हिसाब के सोच सब कम से कम अपना अपना मन मस्तिष्क से निकाल दियो वही में सबके भलाई रहत सबके कथी कहे राजनीतिक कथी कहे सेफ लाइन रहत वही में कथी कहे हम अहा जनता के लागी कोनो एजेंडा स्थापित कर सकब कोनो काम स्थापित कर सकब अगर तेहन किस्म के नहीं करबे तो दुर्भाग्य है माओवादी और कमजोर जी अब बहुत गोटा के सबके अभिव्यक्ति सब देखल जना राम कुमार जी जे नेकपा माओवादी जे केंद्र छे एक देश के एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में याल रहे 10 वर्ष एक जन युद्ध एला के बाद में राजतंत्र समाप्त केला के बाद में देश गणतंत्र में अथवा लोकतंत्र में लेकिन मुदा जै तरह के इनका अगड़ी बढ़वा के चाहिए लेकिन गठबंधन किया के लेके फिर जी यो प्रश्न बहुत निक प्रश्न पूछ ली वीरेंद्र जी अपने के हम कनी पछा जाय ला चाहब केंद्र कमेटी के बात सब है तैयो हमरा जे जानकार छी हम से बात करना चाहब हमरा यहाँ के पहिलो संविधान सभा के चुनाव में जे अनुसार से जनता सब मत दिल के मत तो दिल के अब हमरा सब के नेता सब ई नेपाल के राजनीति जे है से सब दिन से माने माने कोन कोन टाइप के राजनीति क्या एक राज्य राज्य सत्ता में पहुंच नहीं भेल रहे माओवादी केंद्र के ते के बाद में नया नया राजनीतिक रूप में आयल रहे देश परिवर्तन करे में तो बहुत बड़का क्रांति या बहुत बड़का युद्ध तो कल के तर जे शांति समझौता के बाद में जे देश में जे माओवादी के फड़को मारक चाहिए उ फड़को मारे में कतो न कतो हमरा सब के अध्यक्ष प्रचंड जी कतो न कतो चुकले जना बुझाइए के कर ई चुकले फिर कैला जना अहा के राष्ट्रपति कांड ए प्रधान सेनापति कांड अहा के पशुपति कांड विपक्षी सब की चाल के जे कम से कम कथी कहे एकरा ए कांडे कांडे में मुछा दीजिए माओवादी चाहे कोनो न कोनो ढंग से कथी कहे अथी भजेते अहा के पहिलो प्रधानमंत्री जे बनले तो प्रचंड जी तो इंडिया गेले चाइना गेले हमरा अहा के तो नेपाल में माने सब दिन सब प्रथा तो लागल रहे जे जते देश के प्रधानमंत्री बनल है वीरेंद्र जी 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 बड़ी बड़ी दुर्भाग्य बात से कह रहे इंडिया में जा पड़े दिल्ली में पहलो कथी कहे मिठाई बटेला जे हम प्रधानमंत्री भेली जे हाल भेद चढ़ तर हमरे यहाँ के माओवादी केंद्र के अध्यक्ष जी जे पहलो प्रधानमंत्री गणतंत्र के भेले वहाँ के चाइना गेले एक प्रथा तो तोड़के नी उ प्रथा जे तोड़के तो इंडिया के नजर में हमरा सब के पार्टी गरले तै के बाद में वो हुआ माओवादी आंदोलन भ रहल इंडिया के ई लगले जे माओवादी नेपाल में स्थापित होते हमरा सब के असर पड़ तो हिसाब से माओवादी माओवादी को नजर गाड़ के माओवादी के टुकड़ा 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 लाइव के ई अवस्था में तो लोलके तो यो प्रचंड जी अपना हिसाब से जते क हुए गठबंधन क हुए चाहे जे क हुए संविधान फुकवा करोलके तै के बाद में संघीयता मुद्दा कायम करोलके तै के बाद में ये अपने के अखन साउन पातिक समावेशी बात सब से सब कायम करोलके तै के बाद में तो एक वाम गठबंधन तो भेले वाम गठबंधन भेला के बाद में केपी ओली जी के जे अपने के हरकत है जे वो कम से कम परसेंट जी तो ये सोचने रहे 60% 40% 40% लक एक वाम गठबंधन भ जेते कम्युनिस्ट सबके एकता भ जेते तो देश में विकास करे के लागे एक फड़को तो मारबे से सोच के तो वाम गठबंधन कलके दुर्भाग्य केपी ओली जी के कथी कहे
देखियो ये हरकत के कारण से वामो गठबंधन तो टूट गए। टूटला के बाद में देश में एक प्रतिगामी के एक शक्ति सबके उपज सब हुए लगले जे अहाँ के अ देश में राजतंत्र हटबे अहाँ के 17,000 जनता के बलिदानी भेल वही 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 मधेश आंदोलन भेल वही सबके उपलब्धि जे चीज सब रहे ओकरो खतरा में पारि दिल की अहाँ के एक अग्रगामी मोर्चा बनल। वही अग्रगामी मोर्चा में अहाँ के कांग्रेस के अगुवाई में हमरा सबके कथी कहे सरकार गठन करे पड़े। गठबंधन कर के स्थिति सब सेहो सब अपने के अहूबेर हमरा सबके माओवादी पार्टी 77 जिला में अपने कैंडिडेट देतिए तो कनी नेतो हमरा सबके उत्पादन होते वीरेंद्र जी आ हमरा सबके समानुपाती को मत बिरती तर हम सब सीट तो अध्यक्ष जी सब बेसी तो नहीं लल्के तर गठबंधन फिर कैला कायम रखलके जे अखुन बाहरी शक्ति नेशनल इंटरनेशनल जे माफियाकरण वाला शक्ति सब जे परिवर्तन के जे लोलहा चीज सब संस्थागत कर के साटो उल्टे प्रतिगमी के हावी करा के जे अंत करेला चाह रहे ते दुआरे आदरणीय अध्यक्ष जी के जरूरी बुझाए बुझेले महसूस बुझेले जे ए गठबंधन के कायम कर के अलगे अलगे लड़े छी त सीट तो बेसी है तर लड़ाई के कारण से जेहो चीज हमरा अहा के जे अखुन देश में याल छे ओहो ने कहीं प्रतिगामी शक्ति सब हाली मुहाली भकनी कहीं लाथर लुथुर क दे ते दुआरे गठबंधन हमरा सबके आदरणीय अध्यक्ष जी एक देश के परिवर्तन के मुद्दा सबके जे लोलहा उपलब्धि सबके कायम राखी कह के गठबंधन कैल जी। खास कर बातचीत करे अब राम कुमार जी जो चर्चा करी अपने के जो देश में कहल जाए कि अपने के शिक्षा के अवस्था एकदम धराम में पड़ गया जनता सबके गुनासो रहे अपने की कह चाहे। देखियो शिक्षा वाला विषय में कथी है शिक्षा वाला विषय में हमरा अहाँ के तीन तरह के आदमी सबके चिंतित बन पड़ते। पहलो स्थानीय निकाय ते बाद में जे अभिभावक दोसरो तेसरो में स्वयं विद्यार्थी। अब हम अहाँ सब प्राइवेट स्कूल के बात करबे सेहो नहीं भेले कर तो पड़ते सरकारी स्कूल के अपने के अपन देखियो समाज सब में की है जे अहाँ के कथी कहे स्थानीय तो हमें कथी है अब स्थानीय तो ओते गंभीर नहीं भ रहा है शिक्षा के सुधार के हिसाब से ते दुआरे स्थानीय तो अखुन दोषी में हमरा नजर में है। अहिला अहाँ जे अब केन्द्र तो दिल के स्थानीय पालिका के सब निर्णय अहाँ स्कूल के चाहे कथी कहे कौन ढंग से सुधार करब फुल पावर दिल के अहाँ के पालिका में मास्टर नियुक्ति कर के है शिक्षक सबके कथी कहे प्रशिक्षण दिए के है वा कौन कौन हिसाब से अखन नया युग अनुसार से अहाँ सब की टेक्निकली ओकरा सबके कथी कहे काम काज में केना खटाइब सकबे तेके बाद में विभिन्न कोन सब से अहाँ के सीसी कैमरा सब लगा दो है अहाँ के कथी कहे फिंगरप्रिंट वाला हाजिरी डोर सब लगा दो तेके बाद में ओ स्थानीय पालिका में शिक्षा शाखा तो है तो शिक्षा शाखा तो यूट्यूब आ कथी कहे टिकटॉक चलबे ला तो नहीं है ओकरा सबके कनी जागरूक करो पड़ते अहाँ के छड़के चेक हुआ पड़े छड़के जांच हुआ पड़े जे शिक्षक सब कमजोरी करे है वो शिक्षक सब राजनीतिक रूप से बलमिचाई करे है तेहन सबके कार्रवाई करो पड़े। स्थानीय पालिका के नगर प्रमुख जखन ते भ गेलिए तो हम अहाँ भ सके शिक्षा शिक्षको सब राजनीतिक रूप में तो लागल रहे तर वो लगला के हिसाब से देखबे तो शिक्षा सुधार नहीं कर सकबे ते के लागी कठोर न्याय बन पड़ते स्थानीय पालिका के वही पालिका के बनला से तभी शिक्षा में सुधार होते। और दोसर हम अभिभावक के कैला कहली वीरेंद्र जी अभिभावक सब में की कमजोरी छे अहाँ के बेटी के सरकारी में पठा दे बेटा के प्राइवेट में पठा दे तहू में की करत अपने के अगर प्राइवेट में वह घर के लोग अगर विद्यार्थी पठौने हैं तो ओकरा अहाँ के केस को कह दे टाई लगा दे कोट लगा दे जूता सफा कर दे टिफिन में नस्तो दे दे ओकरा ओते केयर के सकभर हफ्ता में चेको कर गया कैला तो पैसा लगत रहे वह कनी सरकारी में जे है से अभिभावक सब निफिक्र क्या सरकारी में छोड़ दिलिए आब हमर कामे नहीं वो मास्टर के काम है। तो वही दुआरे अभिभावकों सबके हम आग्रह करबे जे अहूँ सबके जब धियापुता बाल बच्चा सबके स्कूल में एडमिशन करबे छी तो हमर धियापुता कते माने शिक्षा में सुधार भेले कते गुणस्तर भेले कोन ढंग से भेले नहीं भेले कि अबे कि नहीं अबे होमवर्क देलके कि नहीं देलके कते देलके तो से चीज सब में जाबे तक निगरानी नहीं करते अभिभावकों सब तो माने शिक्षा में एके पालिका के सुधार कर नहीं होते। और तेसरो में विद्यार्थी के हम इला कहबे विद्यार्थी सबके की कमजोरी छे अपने सबके पढ़ जा सब पहिने ही कह दिले है बौआ बकरी चरब के जे सवेरे टिफिने में चल अबे
वो विद्यार्थी सबके ओके प्रतिकार करे पड़े कह पड़े हमरा पढ़वे तो निमन से पढ़ाओ हमरा पढ़ कहे तो निमन से पढ़ दिय आई हमरा पढ़ जाए से पहिने कह दे छी जे टिफिन में चल अबिये घास काट जाके हो बकरी चरब जाके हो भैंस चरब जाके हो वा मोबाइल सब के जे अखन प्रथा सब भेलै हम अपने के टिकटॉक के बाइंड कर के एकटा समिति में भी हम कनी दिन सीडीओ कार्यालय में गेल रही डेलीगेशन लक टिकटॉक त एकटा विषय वस्तु तो निमन एलै तर भगले कथी कनी छड़ो तंत्र एलै क्या ओहि माने कनी संदेशमूलक चीज सब हुअक चाही तई में विद्यार्थी सब के अखन बिगबिगीपन आबै पन्ना सबके विद्यार्थी सबके हम अनुरोध करे छी अपने के टेलीविजन मार्फत जे कम से कम अहाँ सब पढ़ाई जे चीज में पढ़ जाए छी अहाँ के जे कभी कहे जे चीज में मन लगे आ फोटोग्राफर बनना चाहे छी तो वही में निमन से बनू अहाँ खिलाड़ी बनना चाहे छी तो वही में निमन से खेलू अहाँ कभी कहे मैथ में निमन छी तो वही में कस के लागू अहाँ जै विषय में अहाँ के मन है इच्छा है तही विषय में टॉप बनू ना वैसे की होते शिक्षा सुधार होते सब भित्री में पालिका के हम बेसी दोष दे पालिका सब चिंतित हुआ पड़े हाली मुहाली ढंग से अपन अपन आदमी सबके करार में नियुक्ति कने अपन अपन राजनीतिक कार्यकर्ता के संरक्षण कने जब अपने सबके विद्यार्थी पर भागे भविष्य हिसाब से सोच रखे नगर पालिका के परिवर्तन कर चाहे शिक्षा के परिवर्तन कर चाहे सबसे पहले शिक्षा के परिवर्तन कर नगर पालिका के परिवर्तन कर जैके कारण अशिक्षित भेला के कारण से हमरा आगे बड़ विकासो कर में तो अवरोध सब भ रहल है नी आ वही में कथी कहे सबके घर घर से जे धियापुता बाल बच्चा सब भाई बहन सब जे पढ़ल लिखल रहो तो गार्जियन के तो मोटिवेशन तो करते एक शिक्षा ओकर बढ़ते तब ने माने विकासो बढ़ते तै दुआरे स्थानीय पालिका सब सबके अनुरोध करे छी जे अहाँ सब शिक्षा में बेसी जोर लगबियो शिक्षा में अहाँ के कथी कहे माने लगानी हो की प्रशिक्षण दिए पड़ते टेक्निकल चीज सब की लाभ पड़ते ते हिसाब से ज्यादा तक चिंतित नहीं होते स्थानीय पालिका तो विद्यार्थी के अभिभावक के प्रश्न उठाकर नहीं होते कैल तो डोनेशन तो ओत से जेते अहाँ के कथी कहे कार्यक्रम के तो प्लानिंग तो बनते स्थानीय पालिका से ते दुआरे स्थानीय पालिका के चिंतित बने ला हम अपने के टीवी मार्फत अनुरोध कर राम कुमार जी एक और मतलब जनता सबके बड़का उपराग रहे जो हमारे बाल बालिका मुद्दा पढ़े लेकिन बहुते गोटा सब एक कहे कि सरकारी विद्यालय सब में तो वाई फाई लगनाई कोनो खराब बात नहीं है लेकिन मुद्दा वही विद्यालय सब में देखे तो अहाँ के जो सर सब रहथिन अथवा टीचर सब तो वो सब मोबाइल में व्यस्त रहे लेकिन बाल बालिका सबके जै तरह के घंटी लगवा के चाहे पढ़ाई होबक चाहिए से स्वाभाविक ही नहीं भ रहा है उनका सबके एक उपराग रहे ते संदर्भ में की कह वाई फाई लगनाई जरूरी अखुन के अखुन का जे हम जे शताब्दी में छे वही 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 युग अनुसार के वाई फाई जरूरी है तर हम अहा प्रयोग केहन कर वाई फाई लगौला से की हुए अहाँ के गूगल में सर्च करू कोनो कोनो बारे में नहीं जने छी तो गूगल में सर्च कर के पढ़ू वो तो वाई फाई तब स्कूल में लागल है तो से ने प्रयोग कर है तर मास्टरो सब में है कमी कमजोरी सब तही दुआरे तो कहे छी जे शिक्षा शाखा जे है नगर पालिका में वो शाखा तो टिकटॉके बना कर रहे बैठक तो वो सब कम से कम टिकटॉक नहीं बना के बैठो कम से कम अपन काम काज के जे तलब उनका सबके भेटे है जे वो तलब से अपन अपन बाल बच्चा के घर परिवार के जे कथी कहे जे पालन पोषण करे वो तलब के नैतिकता अनुसार से छड़के मारो ना मास्टर सब गलती करे है शिक्षक शिक्षिका सब गलती करे है वही में विद्यार्थी सब गलती करे है तो ओकरा एक बेर सूचना दो दू बेर सूचना दो तेसर बेर सूचना दो चौथो बेर में कार्रवाई करो हम अपने के अध्यक्ष रे एक काम कर रहल छी अहाँ के एक शिक्षक रहे शिक्षक की करे कथी कहे दारू पी के पढ़ है पांच क्लास तक पढ़े हम अपने के श्री बाबू जी राय जुनाई ठाकुर स्कूल के विद्यालय व्यवस्थापन के अध्यक्ष भी रह चुकल तो अपने के वो शिक्षक की करे दारू पी के जाए अपने के ओकरा हम सब चोटी कहलिए आग्रह के लिए अहाँ जो दारू पी के जाए स्कूल में पढ़ तो पांच क्लास तक विद्यार्थी के पढ़ेबे तो विद्यार्थी सबके कनी माइंड तो उठ गया रहे नहीं तो बच्चे तो नहीं रहे पांच क्लास के विद्यार्थी सब सोच रहे उठ गया ओरा सब बात रहे सब चीज पकड़ित रहे हाव भाव के भी निगरानी करते रहे तो जब अही दारू पिया के पढ़ेबे तो विद्यार्थी सब में तो कहते सर हमारे दारू पी के पढ़े तो हम पीबे तो की होते तो ते दुआरे गलत मैसेज देते उनका बहुत चोटी हम आग्रह के लिए नहीं मानल के हम कार्रवाई के लिए सर आठ तो करो पड़ते नहीं आपको जे चीज में जे चीज सुधार चाहे वही सुधार के लागे तो कठोर बन पड़ा अहा मौसी मौसा
घर परिवार कर कुटुम्ब नाता गोता कार्यकर्ता पार्टी फिलिंग करे लगभग हाँ। वीरेंद्र जी शिक्षा में सुधार नहीं होते ते दुआरे अपना अपना तह तबका से जे सब छी हम अभिभावक छी तो हमर कर्तव्य ठीक रह पड़े माने जे शिक्षक है शिक्षक सब के कर्तव्य ठीक रह पड़े जे स्थानीय पालिका में वार्ड अध्यक्ष सब के जे जिम्मेवारी है वो सब जिम्मेवारी निभावो शिक्षा सब के सुधार होते सर थोड़ा कनी कठोर बनो जी। राम कुमार जी आप बात करी अपने सबके जे खास कर अपने सबके एक और उपराग रहे छे जे अखन जे विभिन्न स्वास्थ्य चौकी सब जे छे ओमे अहाँ के दवाई मतलब प्रशस्त मात्रा में नहीं भेटत रहे छे आ केओ व्यक्ति गांव के लोग सब जाइत रहे छे जे ओ एरिया के तो उनका सबके जे तरह से मतलब उनका सबके काउंसिलिंग होबक चाहिए जे वही हिसाब से उनका दवाई वितरण करबाक चाहिए से नहीं भ पा रहा है जनता सबके उपराग छे इस संदर्भ में की कह चाहे जी 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 निमन निमन बात है बल अपने निमन प्रश्न है वीरेंद्र जी अस्पताल के विषय में दवाई सब के विषय में हम ये कहबे वो पालिका के दोष है। पालिका सब जना हमरा सब के नगर पालिका में 12 वार्ड है तो 12 वार्ड में तो माने कौन कौन वार्ड में कते कते जनसंख्या है कते कते का अपने के वही स्वास्थ्य चौकी से लाभ लिए चाहे है से सब तो डाटा रहे है केला तो सब गेल रहे कोनो न कोनो कारण से तो गेल रहे तो ये डाटा सबके कलेक्शन क जे कते दवाई कोन कोन रोग के कोन कोन विभिन्न कारण सब कोन कोन अथी सबके जे दवाई लग देवे तो ओ दवाई से जनता में पूग होते से सब क क अहा के नगर कमेटी के जे साधारण सभा होए ओ साधारण सभा से कम से कम ओ औषधि में पर्याप्त मात्रा में रकम छुटिया दे दुर्भाग्य ते के नहीं अखुन तहा के बड़ विकास की समझे है नगर प्रमुख सब जे रोड एकटा कृषि रोड खोल देवे ना तो विकास भ गेले ओहि पर माटि ध देवे तो विकास भ गेले ढलान क देवे तो विकास भ गेले चपुतरा भ गेले तो विकास भ गेले रे बाबा ओहि विकास भीतरी में तो स्वास्थ्य शिक्षा विकास है ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा के सुधार करियो ना वो चीज सब सुधर लगते तो सब चीज सुधर लगते कि तो से चीज नहीं कह खाली माइट कथी कह दिल तो माइट देते तब ने कथी कह बड़ी दुखद के साथ कह माइट देते तब ने कार्यकर्ता पोषेत दवाई दिला से कार्यकर्ता नहीं पोषेत आसे पासे तो नहीं पोषेत तो नगर प्रमुख सब की कल अपन अपन आसे पासे के संरक्षण कर के लागी की कल जे चीज में लगानी लगवक चाहिए जे चीज में सुधार कर चाहिए ते चीज में सुधार नहीं कर खाली माइट दिए पड़ ग्राइबल दिए पड़ ये सब दुर्भाग्य चीज सब है ते द्वारे ये चीज सब में सुधार हुए स्वास्थ्य में औषधि वाला विषय सब में नगर प्रमुख सब चिंतित हुए स्थानीय सरकार वह द्वारे कहने स्थानीय सरकार कह के अर्थ यहाँ नहीं भेल सर जे अहा सब के जे जे नागरिक जे बसोबास है हरेक समुदाय के हाथ हरेक वर्ग के हाथ कोई शिक्षित हाथ कोई अशिक्षित हाथ तर अहाँ कैटेगोरी छिटी आकरा जागीर दिए पड़े तकरा दियो जकरा आवश्यकता है तकरा दियो आ माने हमर कोई कार्यकर्ता है बड़ लठे थे तकरे हम जागीर देने फिर तो स्थानीय सरकार के अर्थे कथी रह गए ये तो जे ऊ कल से हम यहाँ करे जे राजतंत्र में गए से तंत्र में करे ते दुआरे गणतंत्र आ लोकतंत्र कनी बदनाम हुए के कारण वीरेंद्र जी या है जे आसे पासे कार्यकर्ता सब शिक्षा स्वास्थ्य सब में लगानी नहीं लगा कर व्यक्तिगत मुखी लगानी लग जे रहले वही कारण से वीरेंद्र जी लोकतंत्रों पर हमरा सब के अखुन प्रश्न उठ रहले अखुन जे स्वतंत्र सब जे बिग बिगी भेल ग जनमत पार्टी सब के जे बिग बिगी भेल ग अही राजा महाराजा और के कारण से ना बिग बिगी भेल ग माने जे तरीका से ए देश में रूपांतर भेले स्थानीय तौर निकाय सब के शुरुआत भेले अते फुल पावर भेले पहिने तो से चीज सब तो नहीं छले अभी अहाँ के भेले तो अहाँ सुधार करू ना बाबा अहाँ केंद्र के दुख लगा के तो नहीं है अहाँ वही जही पालिका के सरकार छी वही पालिका में कहाँ कार्यपालिका अहाँ लग पैसा है अहाँ लग मापदंड है अहाँ लग सब कुछ है अहाँ तो एक कभी कहे वही के वैज्ञानिक सोच बना के अहाँ रूपांतर कर सके छी ने तो से सब नहीं कर रहा है ते दुआरे स्वास्थ्य सब में भी वहू में हम सब नगर पालिका के वार्ड अध्यक्ष के कमजोरी द के नहीं होते नगर के प्रमुख है सबके कमजोरी है जो उस सब स्वास्थ्य मामला में चिंतन नहीं हुए आ दुर्भाग्य कथी है फिर वीरेंद्र जी चिंतन ही नहीं हुई है तो माने जनतो सब जे चिंतन नहीं करे तकरा जे नहीं एहने जे ढंग के जे फरक फरक मैसेज सब जे होते ना नेता सब सतर्क होते आ प्रतिनिधि सब सतर्क होते हमरा अहाँ के एक टा आंदोलन फिर करे पड़ते जे आंदोलन अपन अपन नगर भीतरी में हम सब युवा सब के आग्रह करबे अपन अपन नगर भीतरी में पार्टी फिलिंग को नहीं देख के है अहाँ के जनता के हित में रहे वाला काम के आवाज उठाओ जनता के अहित होए वाला काम में विरोध करो बर विकास में कोनो बाधा विरोध नहीं करो सचेतता मूलक विरोध करो अहाँ के गुणस्तरीय हुए कि नहीं हुए
गुणस्तरीय हीन होए तो विरोध करो, गुणस्तरीय होए तो माने हो दियो। ते दुआरे जम्मे युवा सब के हम आग्रह करबे अहाँ के चैनल मार्फत जे सब कोई कम से कम युवा सब के जे ढंग के राजनीतिक रूपांतर सब आब रहल है तो अहाँ सब कम से कम जागरूक हुई आ सब कोई धो ई हमर काम तो नहीं है, हम किया करू, जीत गेले फलना तो न करते से अगर सोच करबे तो हमरा अहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य किसान सब के हमरा अहाँ के चीज सब के सुधार नहीं होते, समस्या के समस्या जकरले रह जेते, खाली चाय दोकान पर पान दोकान पर आ कथी कहे दस कोई घूरा लग बैठल रहते या प्रतिक्रिया देला से सुधार नहीं होते। ते के लागे सब युवा सब के सब वर्ग के बौद्धिक वर्ग के युवा वर्ग के हमरा अहाँ के बाबा पुरखा एज के तकरो सब के आग्रह करबे जे अपना अपना ठाव से कम आवाज उठाओ। हम अहाँ ओकरा मत दक प्रतिनिधि बनौने छी, ओकरा लग बात राख पड़ते, दूध छोड़ दियो ई जीत गेले तो आप जे करते करते केहन ढंग से अंठौने रहबे तो ई अंठौला से रूपांतर नहीं होते, ओहिमे सब कोई के एकरूपता भ के लागि पड़ते। जी राम कुमार जी, देखल गेलिए अपना सबके जे अपने चर्चा के लिए जे किसान के विषय वस्तु में, लेकिन विभिन्न पार्टी के लोग सब दल सब कहीं जीत कर जाए छे लेकिन किसान के समस्या जेना के तेना रह जाए छे, कारण की छे जेना बीज मल खाए सब प्राय इनका सब समस्या रहे छे जे समय पर नहीं उपलब्ध भ सके छे। हाँ ये सब कारण तो है, एक कारण तो की है हमरा के किसान के पानी के समस्या, डीप बोर्डिंग सब बोर्डिंग सब नहीं है, सिंचाई के बहुत अपुगता है, तक खाद मल के भी अपुगता है, ये सब के सुधार हुवक चाहिए। आ सब पार्टी माइक में तो भाषण क दे है, अपने के यहाँ के अखन जनमत पार्टी के जे अते बड़का जे फड़को मरल गए किसाने आंदोलन से भेले आब तो भरखर जीतल है, देखे आब माने उनका सब सुधार करे या नहीं करे, नहीं करे तो उनको सब पर प्रश्न तो उठते, तर प्रश्न उठाइए के नहीं होते, अपनो आपके प्रश्न कर पड़ते जे हमरो पार्टी के कोनो जगह जीतल है, कोनो जगह सरकार स्थानीय सरकार में है, प्रदेश में है, प्रतिनिधि सभा में है, सकवर्द सत्ता गठबंधन के सरकारों बने वाला स्थिति है, ते दुआरे हमरो सबके खचखचाव पड़ते आ किसानों सबके जागरूकता ही रह पड़ते जे माने फिर स्थानीय पालिका चल अबे घूम फिर के स्थानीय पालिका चल अबे, ते दुआरे किसानों सबके ये आग्रह करबे जे किसानों सब सचेतता हो पाकर अपना अपना पालिका सब में आवाज उठाओ, अपना अपना प्रतिनिधि सब ला आवाज उठाओ जे हमरा सबके ये खाद सबके कैलाने पूर्ति हुए, मल के कैलाने पूर्ति हुए है, आ नहीं हुए तो किसाने एक संगठन बनाओ, कोनो पार्टी फिलिंग नहीं, स्वतंत्र किसान संगठन बनाओ आ बना का अहाँ सब अखन तो बड़ी सजिलो है नहीं अहाँ के हाथ हाथ में है मीडिया अहाँ के अत सुविधा है, अखन हमरा अहाँ के तह सोशल चीज सब तो बहुत आगा भाग गए ते सब में अहाँ के चीज सबके सजिलो ढंग से हम अहाँ बात रख सके छी, अपने सब छे अपने सबके जानकारी करो जे हमरा सबके समस्या है जे अपने सब आबि दियो तो अहाँ सब तो ओहनो समाज सुधारक चीज में लागले छी तो ए विषय सब में तो सपोर्ट भेटबे करते, ते दुआरे कृषि कृषक साथी सबके ई आग्रह करबे अहाँ सब जे जे पालिका में छी ओहि ओहि पालिका में स्वतंत्र गठबंधन एकटा किसान के टीम टीम बनाओ आ टीम बना कर वही वही कथी करौला से किसान सबके वही पालिका में सुबोधा सुविधा होते, ते ढंग के चिंतन क के पार्टी फिलिंग के इशारा में नहीं जाकर स्वतंत्र एक किसान संगठन बनाकर अहाँ सब वही पालिका में खबरदारी सब करो, मांग राखो सब ऐ विषय सब में जाबे अहाँ सब में जागरूक होबे तो कोई दैत से मैं आशा रह तो नहीं हाथ कहो का लिय पड़त, लिय के लागे किसान सबके अपनों जागरूक हो पड़ते और किसान सबके रूप में हम किसानों सबके की कह चाहे छे जेना वीरेंद्र जी बड़ा दुख लगे पहिने हमरे खेत में अहाँ के आर पर लहरी उपजे छे कुर्थी उपजे छे अहाँ के कथी कहे माने अत उपजा सब होइ छे अखन की भ गेलै अहाँ के विदेश पलायन भेला के कारण से किसानों सब में अलछीपना सब अब ई बात खोर किसानों सब में है कमजोरी सब में नहीं कुछ में तो है कमजोरी अब विदेश से पैसा आला विदेश से पैसा आला के बेटा बेटी के पढ़व के नाम पर जे सब माने खेत में खेती पाती कर योग्य है से सब शहरीकरण बसोबास भ गया रह गया घर में बुढ़वा वृद्धा सब ओहो सब कते कोदारि पारो कते हर जोत सको अखन के अवस्था से जे बाझोपना जमीन सब जे है उ बाझोपन जमीन सब के कनी उपजाकरण में लाव पर ते दुआरे किसान सब के यो आग्रह करबे जे बाझो जमीन नहीं राखू माने जहाँ उजाबे छी उजाबो और अहाँ के अपुग कथी है
ताकि एक टीम बना कर अहाँ सब स्थानीय पालिका में खबरदारी करू, हम एक किसान के बेटा छी, है हम तो मिर्चिया नगर पालिका के छी, तर एक नेकपा माओवादी केन्द्र के जिला समन्वय समिति बेटा भेला के हैसियत से हम सब पालिका के किसान सब के अनुरोध करबे, हमू किसान के बेटा भेला के कारण से अहाँ सब स्वतंत्र किसान के संगठन बनाओ, हम कोनो माओवादी के संगठन बनबो नहीं जाब, तर अहाँ और के बात बुलंद तरीका से राखब से हम प्रतिबद्ध आब जी। राम कुमार जी, एम स्टार टेलीविजन से संपूर्ण दर्शक मिश्र जी अपने के कार्यक्रम देख रहा है, अंत में की संदेश देव चाहबे उनका सबके? सब दर्शक सब में नमस्कार करबे, और अखुन का जे राजनीतिक स्थिति सब जे है वही स्थिति सब के सब कोई चिंतन क मंथन क अपने सब हरेक निकाय हरेक चीज सब में खबरदारी करे, अहाँ सब जनता भने को सबसे बड़का शक्ति हो वीरेंद्र जी, वही जनता भित्री में से सब कोई कलेक्टर हो छे, कोई मास्टर हो छे, कोई इंजीनियर हो छे, कोई किसान हो छे, ते दुआरे सब चीज वही जनते भित्री में से किसाने भित्री में सब है, ते दुआरे सब चीज सब में जनता सब से सब निकाय सब में सब सेक्टर सब में अहाँ सब जागरूक बनू, और जागरूक बन कर अपन अपन पालिका स्थानीय पालिका में जे चीज सब अब है वही चीज में अपन हक जता कर अपन बात राखू, अपन मांग राखू, अपुग होय है तो ओकरा खबरदारी कर पुग में लाओ, वही चीज सब से सब कोई गोलबंद भक मिलकर जेबे तो अपन अपन पालिका सुधार होते से आग्रह कर चाहबे जनता से जी। एम स्टार टेलीविजन में आपका जी अपने के सम अपने जे समय दिले ते के लिए अपने के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दैत, आज कार्यक्रम जे से एम स्टार सवाल स्टार सवाल कार्यक्रम से आज कार्यक्रम से हम विदा हो छी, वीरेंद्र कुमार देखते रहिए एम स्टार टेलीविजन, नमस्कार।